नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में किसी भी एक दिवस के लिए सबसे ज्यादा हॉट मेटल का उत्पादन दर्ज। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल के ठेका श्रमिक अनुकरणीय योगदान हेतु पुरस्कृत। अब समाचार विस्तार से। महारत्न कंपनी सेल की एक इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने 15 अक्टूबर 2020 को 3 ब्लास्ट फर्नेस से 13,316 टन हॉट मेटल का उत्पादन कर अपने पिछले बेंचमार्क को पीछे छोड़ते हुए एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। 7 फरवरी 2019 को उन्हीं 3 फर्नेसों द्वारा पिछला सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड 13,115 टन दर्ज किया गया था। 13,316 टन हॉट मेटल में से ब्लास्ट फर्नेस वन ने 2,797 टन, ब्लास्ट फर्नेस फोर ने 2,463 टन का योगदान दिया है, जबकि शेष 8,056 टन का उत्पादन ब्लास्ट फर्नेस पाँच द्वारा किया गया है। यह उपलब्धि सभी संबंधित विभागों जैसे सिंटर प्लांट, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, कोक ओवन, ट्रैफिक एवं रॉ मटेरियल, कैप्टिव पावर प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट, प्रोडक्शन प्लानिंग एवं कंट्रोल विभाग तथा रिसर्च एवं कंट्रोल लेबोरेटरी के उल्लेखनीय योगदान और ब्लास्ट फर्नेस कर्मी समूह के दृढ़ प्रयासों से हासिल की गई है। कोविड-19 द्वारा सृजित बाधाओं के बावजूद राउरकेला इस्पात संयंत्र के कर्मी समूह ने अपना सर्वश्रेष्ठ निष्पादन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इस्पात संयंत्र को प्रगति के पथ पर लिए जा रहे हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के हॉट स्ट्रिप मिल में 15 अक्टूबर को आयोजित एक विशेष पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी HSM श्री पी मुरली ने मेसर्स TD कंस्ट्रक्शन के 5 ठेका श्रमिकों को उनके उद्यमी कार्य के लिए पुरस्कार प्रदान किए। महाप्रबंधक ऑपरेशन DK यादव, महाप्रबंधक इलेक्ट्रिकल श्री आर कुजूर, महाप्रबंधक मैकेनिकल श्री BR कुमार, अनुभाग के प्रमुख, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभाग के कर्मचारी और संबंधित ठेकेदार कोविड-19 से संबंधित मानदंडों का पालन कर इस अवसर पर उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ प्रबंधक HSM श्री AK पुजारी द्वारा किया गया था। उल्लेखनीय है कि चैनल के माध्यम से निस्सरित किए जाने वाला पानी R1 चूट ग्राउंड लेवल से नीचे के मार्ग में जमा हो गया था। पहले इस तरह के पानी के जमाव से 3-4 दिनों तक रोलिंग ठप हो जाया करती थी, जिससे उत्पादन में बाधा उत्पन्न होती थी, लेकिन ठेका श्रमिकों द्वारा समय पर हस्तक्षेप और त्वरित कार्रवाई ने रोलिंग प्रक्रिया को बिना किसी रुकावट के जारी रखने में मदद की। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।